वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोला था। कैपिटल एडजस्टमेंट मैं कराऊंगा, बाकी सब आपने ऑलरेडी करना ही था अपने आप, तो जल्दी से एक बारी कर लेते हैं, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। आई रिपीट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, अगर एक ही क्वेश्चन दे सकता हूँ ना मैं, तो शायद ये वो होगा या इससे सिमिलर होगा। सबसे इंटरेस्टिंग कैपिटल एडजस्टमेंट यूज होगी, ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 53, टीएस ग्रेवाल, एबीसी अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, लायबिलिटी साइड क्या कोई रिजर्व है? हाँ जी रिजर्व है, रिजर्व को हाईलाइट कर दिया जाए, और कुछ नहीं है। एसेट साइड कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, बट एग्जिस्टिंग गुडविल है, हाईलाइट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑन दिस डेट बी रिटायर्ड, तो बी क्या हो गया 2/6, तो 2/6 हो गया आपका रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड बाय 1000, तो साथ साथ ही करता रहता हूं जल्दी से। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड बाय 1000, ओके। तो बैलेंस शीट में कैश इन एंड डेटर्स, कैश इन एंड अभी मैं छोड़ देता हूँ, डेटर्स पे आता हूँ। डेटर्स कितने हैं? 25,000, प्रोविजन पहले कितना था? लेस प्रोविजन, पहले था 3,000, हमने बढ़ा दिया 1,000 से, तो अब प्रोविजन कितना हो गया? 4,000, कोई भी डाउट? नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक 1800 टू स्टॉक 1800, रिड्यूस्ड बाय 1800, तो बैलेंस शीट में एसेट्स 18,000 माइनस 1800 16,200 स्टॉक। फर्नीचर बाय 5%, 5 3 15, टू फर्नीचर 5 3 15, तो न्यू वैल्यू क्या हो गई 28,500, अभी तक कोई डाउट? देर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1100 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, कोई लाइबिलिटी कोई रिजर्व नहीं है उससे रिलेटेड, तो एक नई लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू क्लेम फॉर डैमेजेस, कोई प्रोविजन तो नहीं बोल रहा वो, कभी बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन, तो अकाउंट का नाम हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, अदरवाइज टू क्लेम फॉर लाइबिलिटी का नाम सिर्फ क्लेम फॉर डैमेजेस, पढ़ लेते हैं दोबारा, क्लेम फॉर डैमेजेस कुछ नहीं है, बस वही आप नाम दे देंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अभी देखते हैं कुछ है कि नहीं है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, नीचे क्या दिखाया अभी हमने, कौन सा क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना है क्लेम फॉर डैमेजेस 1100, ठीक है जी। क्रेडिटर्स विल बी रिटन बैक, क्रेडिटर्स रिटन बैक मतलब क्रेडिटर्स कम करने के लिए बोल रहा है 6000 से, तो क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स कितना 6000, पहले कितने थे 30, अब कितने हो जाएंगे 24,000, कोई भी डाउट? बी टू बी पेड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, ठीक है चलो, और कोई रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, तो गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 22,000, आते हैं उस पर। बी टू बी पेड, सबसे मजेदार पॉइंट ही यही है, बी टू बी पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है, दिमाग लगाने वाली एडजस्टमेंट है, सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसको अभी तक के पहले का सब कुछ समझ आया कि मतलब उसका एक लेवल बन चुका है, तो ही वो यहां तक कर सकता है। आई एम अज्यूमिंग कि जो यहां बैठे हैं उनको अभी तक का सब कुछ अच्छे से समझ आया, तो ही इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे।
बी टू बी पेड इन फुल, कह रहा है बी को जितने पैसे भी देने हैं उसको दे दो। वो पैसे कौन लाएगा? एएनसी लाएंगे, इस हिसाब से कि पैसे लाने के बाद उनकी जो कैपिटल्स है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। अभी तो मैं बस लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब बता रहा हूँ। बी टू बी पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय एएनसी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक होता है क्वेश्चन, यहां खत्म हो गया, ठीक है जी। एडिशनल रिक्वायरमेंट एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000 एंड कैश इन हैंड, तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गई कि और 10,000 का कैश बैलेंस भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अभी है कितना कैश बैलेंस। 18,000 है कैश बैलेंस, और क्या बोल रहा है कितना होना चाहिए? ये तो नहीं बोल रहा कि 10,000 और लाना है, बैलेंस की बात कर रहा है या और कितना लाना है ये बता रहा है? बैलेंस की बात कर रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि कैश बैलेंस होना चाहिए 10,000। इनडायरेक्टली वो आपको ये बोल रहा है कि आप 8,000 यूज कर सकते हो पेमेंट में। अगर आपका अभी 18,000 बैलेंस है, वो ये कह रहा है कि बी टू बी पेड इन फुल बाय कैश ब्रॉट इन बाय एएनसी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां फुल स्टॉप हो जाता तो इसका मतलब जो भी उसको पैसे देने हैं वो ए और सी लाएंगे, और इस हिसाब से लाएंगे कि इवेंचुअली उनकी कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। 51 वही था, तो वो आसान था। आसान क्या मतलब, इससे आसान था। इसमें कहा कि वो तो करना ही करना है, लेकिन कैश बैलेंस 10,000 छोड़ना है, तो इसका मतलब अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश है तो आप वो यूज कर सकते हैं किस चीज में? बी को पेमेंट करने में। कैलकुलेशन तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं बस लाइन का मतलब बता रहा हूं आपको। लाइन का मतलब समझ आया? ठीक है, चलो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पहले रेशियो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कौन है? एबीसी। रेशियो वॉज 3:2:1, कौन गया? तो न्यू रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 22,000। अब 22,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, और कौन? बी। बी शेयर इज 22,000 इंटू 2/6, 1/3, 7,333। 7,333 किसको मिलेगा? ए एंड बी, किस रेशियो में? 3:1 गेनिंग रेशियो। थ्री, हाँ एक ही बात है, ध्यान से देखो, बी तो चला गया ना, ए और सी, तो 3:1 गेनिंग रेशियो इज 3:1। ए को इसका मिलेगा 3/4, सी को मिलेगा 1/4, तो 7,333 इंटू 3/4, 5,500, 1,833। कोई भी डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कौन देगा? ए और सी देंगे, किसको देंगे? बी को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बाय बैलेंस बी डी कितना है? ए बी से सी, सी के साथ आर थ्री। ए बी सी 3:0:30, ठीक है। बी को मिल रही है तो बाय एज कैपिटल, ए कितना दे रहा है? 5,500। बाय सी कैपिटल, सी कितना दे रहा है? 1,833। बी को कर दिया क्रेडिट, इनको कर देते हैं डेबिट। टू बी कैपिटल, ए ते बी ते सी, ए दे रहा है 5,500, सी दे रहा है 1,833। कोई भी डाउट अभी तक? एग्जिस्टिंग गुडविल है 10,000, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 गुडविल। ओल्ड रेशियो मतलब 3:2:1,
3,333,1667. कोई डाउट? 3:2:1, यहां तक कोई डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, जनरल रिजर्व है 12,000, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व 12,642. कोई डाउट? रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं. डेबिट्स 54, क्रेडिट 6,000. तो क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट है, देख लेना चाहिए. एबीसी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए से बी से सी 300, 200, 100. वो ए बी डाउट कितना प्रॉफिट? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200, 100. कोई भी डाउट? अब आएगा, यहां तक तो आप अपने आप ही करके लाए थे, यहां तक कोई डाउट? गलती करी कोई? कोई पक्का 100% श्योर किसी ने कोई गलती करी? करी भी तो उसका कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिर कहीं पे भी हो सकती है. आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मजा आएगा. एक बार क्लोज कर देते हैं बाकी सब कुछ. क्रेडिटर्स डन, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, बाकी सब क्लोज करते ना कि सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की ही बात रह जाए. कैश इन हैंड अभी यूज होगा, स्टॉक जा चुका है, फर्नीचर जा चुका है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था तो मशीनरी एज इट इज 70,000. तो चलो बेटा, चैन से सोना है तो जाग जाओ. अब ध्यान से देखना, मजा आएगा. कलर चेंजेस टू ब्लड रेड, ठीक है, ओके. मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. कैपिटल एडजस्टमेंट, बी टू बी पेड इन फुल. कह रहा बी को पैसे दे दो, कौन देगा? एएनसी. ए कितने देगा? पता नहीं. सी कितने देगा? पता नहीं. पर टोटल कितने देने हैं ये तो पता है. टोटल कितने देने हैं ये तो पता है ना, कि बी की जो पेमेंट है. फिर हमें देखना है कि सर क्या जो अवेलेबल कैश बैलेंस है 18,000, क्या वो यूज कर सकते हैं? कह रहे रुको, कह रहे वो बोल रहे हैं कि कैश इन हैंड छोड़ना है 10,000. इसका मतलब जो बी को पेमेंट करनी है, फर्म के पास जो पैसे पड़े हैं उसमें से 8,000 यूज कर सकते हैं. यस और नो? ये क्लियर है? तो चलो, कैपिटल एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी कंबाइंड कैपिटल क्या है? चलो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि उसने बोला ना कि कैपिटल शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अभी निकालते हैं टोटल कैपिटल. कैसे निकालेंगे? कह रहे अभी कंबाइंड कैपिटल है कितनी? कंबाइंड कैपिटल कौन कौन है पार्टनर्स? ए और सी. बी तो रिटायर हो चुका है ना, पैसे देने हैं अभी उसको बस. ए की कैपिटल कितनी है? फॉर्मूला मैं ठीक करूंगा, पता वो एक लाइन बीच में इंसर्ट करिए ना, ठीक कर लेता बस एक सेकंड. ठीक, ए 46,300 माइनस 10,500. तो अभी ए का बैलेंस क्या आ रहा है? 46,300 माइनस 10,500 35,800. ए का कितना है? 35,800. सी का कितना है? 32,100 माइनस 35,100 28,600. कुछ और ऐसा सुनाई दिया आपने मुझसे, 28,600. यहां तक कोई डाउट? इनकी कैपिटल अभी इतनी है, तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी है?
58, 63, 64, 400. ए कितने लाएगा पैसे? पता नहीं. बी कितने पैसे लाएगा? पता नहीं. बट ये जितने भी पैसे लाएंगे उससे इनकी कैपिटल बढ़ेगी. आप 5 रुपए लाओ या 50,000 लाओ, जितने भी पैसे लाओ उतने से कैपिटल बढ़ेगी. तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या होगी? कह रहे देखो कुछ तो अभी है हमारी कंबाइंड कैपिटल, प्लस जितना भी हम कैश लेके आएंगे, कैश इंट्रोड्यूस्ड. कह रहे कितना पैसे लेके आएंगे? कह रहे जितना पैसा बी को देना है. अमाउंट पेबल टू बी, बी को कितने देने हैं? बी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं. 51,333 माइनस 3,333, बी को देने हैं 48,000. इसमें कोई डाउट? तो बी को देने हैं 48,000. तो क्या पूरे 48,000 लाने हैं हमने? वेरी गुड. 8 तो हम पुराने ही यूज कर रहे हैं, तो जब ए और सी वो 8 ला ही नहीं रहे तो उस 8 से कैपिटल बढ़ेगी क्या? ए और सी की कैपिटल कितने से बढ़ेगी? जितने वो पैसे लेके आएंगे. अमाउंट पेबल टू बी लेस अवेलेबल कैश बैलेंस. पहले से कितना पड़ा है हमारे पास? 8,000. हम पुराना यूज कर सकते हैं. तो कैश इंट्रोड्यूस कितना होगा? 40,000. आया समझ? तो 64,400 आपका पहले से था. 40,000. ए कितना ला रहा है? पता नहीं. बी कितना ला रहा है? पता नहीं. लेकिन टोटल तो वो 40 लाएंगे. तो अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ए और बी की क्या हो जाएगी? 1,04,400. Yes or no? ये है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. तो 1,04,400 अगर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो. ए का प्रॉफिट शेयर क्या है? 3/4. सी का क्या है? 1/4. 1,04,400 यही था ना? 53, 63. ठीक है, 1,04,400 इंटू 3/4 क्या ए का हो जाएगा? 78,300. और सी का हो जाएगा 26,100. कोई भी डाउट? एक बार वेरीफाई कर लेंगे. ए की 35,800, 78,450 है उसकी. अमाउंट्स एक बार कंपेयर करेंगे. 8,614. ए की 46,300 माइनस 10,500, 35,800. सी का 32,100 माइनस 3,500, 28,600. मैंने 28,600 ही लिखा ना. प्लस 35,800, 64,400 प्लस 40, 1,04,400 डिवाइडेड बाय 4. एक मिनट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया 642. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही था ना? 46,300 ठीक है. 321 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 321 ठीक है. और गुडविल दिखा दिया हमने ठीक है. 5,500 ठीक है. 1,833 ठीक है. 7,58, 1,833 इसको बिल्कुल ठीक है. और 3,500 ये भी ठीक है. 48,200 आया था उसका, ये भी ठीक है. 28 सारे मैच कर रहे हैं. 35,800 आया था प्लस 28,600 ये भी आया था. 64,400 उसको पैसे कितने देने हैं? हाय 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 हाय, सच हमने क्या कर दिया, हमने क्या मतलब, माय मिस्टेक, सॉरी. उसका कितना आया था? अमाउंट पेबल टू बी, बी के कितना है? 51,333. 51,333 ले लिया था मैंने. 51,533 था वो. 3,333 में मतलब
मिसरीड कर लिया था मैंने, क्या कर लिया था, मिसरीड कर लिया था। बी के क्रेडिट्स कितने हैं, 51533, मैंने गलती से जल्दबाजी में 51333 रीड कर दिया था, तो वही वो। बाकी सारी ट्रीटमेंट सही है अभी तक, तो शुरू से शुरू करते हैं। बस कैपिटल एडजस्टमेंट वाला छोटा सा पॉइंट, 51533 माइनस 3333, तो यही बस छोटी सी चीज थी। हमने बी को देने थे कितने, 48,200, सोचो 200 की वजह से वो पूरा हिल जाता, हिल गया था। तो अब कितने पैसे लाने पड़ेंगे, 40,200, तो कितने पैसे लाने पड़ेंगे, 1,04,600। कोई भी डाउट, तो 1,04,600 अगर लाएंगे तो ए कितना लाएगा, 78,450, 200 रुपये का फर्क पड़ा था ना, तो 150 रुपये इसके बढ़ जाएंगे, 78,450, और 50 रुपये इसके बढ़ जाएंगे, 2,615। ये बात समझ आ गई, बाकी सब कुछ तो सेम ही था, वो 48,000 की जगह, बट पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है आपकी वो छोटी सी गलती। क्या निकालना था, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकलती है, उनकी अभी कंबाइंड कैपिटल है कितनी, प्लस वो और कितना कैश लेके आएंगे। वो कितना कैश लेके आएंगे, जो भी हमने रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करनी है, कह रहे क्या जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, पुराने कुछ पैसे यूज कर सकते हैं, हाँ इस केस में 8,000 हम पुराने यूज कर रहे हैं, तो फिर तो हमें कम पैसे लाने पड़ेंगे, तो कितने पैसे लाने पड़ेंगे, 40,200, जितने भी पैसे लाएंगे उतने से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गई 1,04,600, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये क्या है, इतनी होनी चाहिए, क्या है ये, रिक्वायर्ड कैपिटल। अब आप एग्जिस्टिंग तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या थी, 35,800, और बी की क्या थी, 28,600। ए विल ब्रिंग कितने पैसे लेके आएगा, 78,450 माइनस 35,800, 42,650 लेके आएगा, और सी को वापस मिल जाएंगे। सी की अभी 28,600 है, होनी चाहिए 26,150, सी विल गेट कितना, 28,600 माइनस 26,150, सी विल गेट 2,450। कोई भी डाउट, ये सारी एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगी, क्योंकि उसको पैसे देने हैं ना हमने, तभी तो होगा। कैसे दिखा देंगे, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन क्लियर है, मेन पार्ट कैलकुलेशन था जिसमें मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था, बट मैं थ्रीज में खो, मतलब बताना कि दूर से बिगड़ी थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, संभाल लिया, वी मैनेज्ड। ध्यान से देखेंगे, कह रहे बी को तो निपटाओ पहले, बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है, तो बी को तो करो पेमेंट पूरी, उसको करो नक्के 48,200। सर हम तो सिर्फ 40,200 लाए, बेटा 8,000 पुराने भी तो यूज करे, उसको तो पूरे पैसे मिलेंगे ना, उसको पूरा क्लियर कर दिया। अब टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ए का होना चाहिए 78,450, सी का होना चाहिए 26,150। ए का 78,450 होने के लिए उसको पैसे लाने पड़ेंगे बाय कैश अकाउंट, कितने पैसे लाने पड़ेंगे, ए विल ब्रिंग 42,650, ए विल ब्रिंग 42,650, सी की पहले से ज्यादा है, क्या दब गया, एक सेकेंड, गलत फाइल खुल गई। सी की पहले से ज्यादा है तो उसको पैसे वापस मिल जाएंगे, टू कैश अकाउंट, सी को कितने पैसे वापस मिल जाएंगे, सी विल गेट 2,450। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट में
बी तो खत्म हो चुका है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्लेम फॉर डैमेजेस दिखा दिए हैं, ए और सी, ए की कैपिटल 78450, सी की कैपिटल 26150। अब ध्यान से देखना, कैश इन हैंड, क्या मुझे कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीजें इस हिसाब से हुई थी कि कैश में 10,000 छोड़ने, बाकी सारी कहानियां उस हिसाब से हुई थी कि कैश में मुझे छोड़ने 10,000 है, तो जितने पैसे आए होंगे, जितनी पेमेंट हुई होगी, वो इसके आसपास रिवॉल्व हुई थी। ये तो पहले से ही पता था ना कि भाई सर 18 है, उसमें से 8 यूज कर सकते हो, तो मतलब जो उसको 40,200 देने थे, वो 40,200 तो उन्हीं से कैपिटल से एडजस्ट करे हमने। कैश पेमेंट में 10,000 ही रहेंगे, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैच नहीं कर रहा तो मतलब आपने कोई गलती करी होगी। कर लूं वेरीफाई? वेरीफाई करके दिखा देता हूं, बट आपको जरूरत नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों जरूरत नहीं है। पहले से कैश कितना था? 18,000। पहले से कैश था 18,000, जिसमें से ए कितने लेके आया? ए लेके आया ना 46, क्या 42650। बी को कितनी पेमेंट हुई? 48200। सी को कितनी पेमेंट हुई? 2450। यही सब हुआ था। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास पहले से 18,000 पड़े हुए थे। ए लाया 42650, मैंने पेमेंट करी 48200 बी को और 2450 सी को, तो कैलकुलेट करोगे तो 10,000 ही आएगा। बट मैं कह रहा हूँ आपको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो 10,000 छोड़ना था, उसके हिसाब से तो बाकी सारी कैलकुलेशन हुई है। बात समझ आई? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट मेहनत करके पहुंचे हैं यहाँ तक, तो प्लीज थोड़ी इज्जत रखना क्वेश्चन की। एग्जैक्टली सेम होगा 53 के बाद नेक्स्ट कौन सा दिया था आपको? 54, इसी का भाई है, ठीक है ना। पहले 53 आराम से कॉपी करना, क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन है, ये चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसलिए पहले 53 को आराम से कॉपी करना, फिर 54 पे अप्लाई करना, बाकी सब कुछ सेम होगा। यहाँ क्या लिखा है? अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द बैलेंस इज 15,000 एट द एंड। तो अब आपके पास बैलेंस था 40,000, बैलेंस था 40,000, तो ऊपर ऊपर से जल्दी से देखोगे तो ये हो जाएगा ना कि हम 25,000 यूज कर सकते हैं। कह रहे भाई बाकी क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता कोई और कैश ट्रांजैक्शन भी हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने ये बोला कि आपका एंड में बैलेंस 15,000 होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर कोई और ट्रांजैक्शन भी हो गई हो, जैसे कि अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000। तो मतलब 8,000 की आपने पेमेंट करी है कहीं पे? हाँ बिल्कुल कम हुए, 2,000 क्रेडिटर्स कम हो गए, लेकिन 8,000 की पेमेंट हुई कि नहीं हुई? 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो गए। इसका मतलब क्या होता है ईशान्या? अच्छा आप तो बाहर हो, बोल सकते हो तो बोलो, वरना कृति बताएगी। 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो गए, इसकी जर्नल एंट्री बताओ पूरी। सबसे पहले तो रिवैल्यू होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्रेडिटर्स थे 10,000, तो पहले तो कर दो रिवैल्यूएशन। कितना है रिवैल्यूएशन? 2,000। बाकी 8,000 का क्या होगा? पेमेंट होगी कि नहीं होगी? तो 8,000 आपका बैंक बैलेंस यूज हो चुका है, 8,000 बैंक बैलेंस यूज हो चुका है। दो मिनट बैठो, एक मिनट। 8,000 का बैंक बैलेंस यूज हो चुका है, तो आपके पास थे कितने? 40,000। 40,000 में से 8,000 चले गए क्रेडिटर्स के पास, बचे 32,000। उसके बाद आपको कितना छोड़ना है बैंक में? 15,000। तो 23 गॉन, बचे कितने? 17,000। तो इसका मतलब आप 17,000 पेमेंट की तरफ यूज कर सकते है कि?
क्रेडिटर्स तो पूरे 10,000 खत्म, क्रेडिटर्स तो पूरे गए ना, 10,000 के क्रेडिटर्स पे 2,000 का तो आपका प्रॉफिट है, वो तो रिवैल्यूएशन में आ चुका है, 8,000 आपकी पेमेंट हुई है, 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो गए। मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि मेरा बैंक बैलेंस कितना बचा है, मेरे पास 40,000 था जिसमें से 15,000 छोड़ना है, बाकी बचे 25, क्या पूरा का पूरा रिटायरिंग पार्टनर को दे सकता हूँ? कह रहा है रुको, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हुई है 8,000 की, जो बच गया 17,000 वो पेमेंट की तरफ यूज कर सकते हो, कैपिटल एडजस्टमेंट में यूज होगा ये पॉइंट। सो आई रिपीट, पहले आप आराम से क्वेश्चन नंबर 53 को कॉपी करेंगे, आराम से कैपिटल एडजस्टमेंट को समझेंगे, फिर उसको 54 में अप्लाई करेंगे।